हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करेंगे, यानी परमानेंटली डिलीट करेंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर आप एक मिनट के अंदर अंदर अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर राइट साइड आपको ऊपर देखने मिलेगा 3 लाइन, बस क्या करना आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे में आपको देखने मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, बस क्या करेंगे आपको यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, बस क्या करना आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर करना है क्या कि यहां पर आपको देखने मिलेगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, बस क्या करना आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका जो भी फेसबुक प्रोफाइल होगा यहाँ पर आपको शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्रोफाइल यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद क्या करना आपको यहाँ पर नीचे में आपको देखने मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, बस क्या करना आपको इस पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, बस क्या करना आपको अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर में देखने मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलेशन, बस क्या करना आपको डीएक्टिवेशन और लेसन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका फेसबुक आ जाएगा, जो भी फेसबुक अकाउंट होगा, बस क्या करना आपको इस फेसबुक अकाउंट पर यहां पर इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शंस देखने मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेंपरेरी। अगर आप यहां पर क्लिक करके अपना अकाउंट को डिलीट करते हैं, यानी डीएक्टिवेट करते हैं, तो यहां पर आपका अकाउंट जो आपका टेंपरेरी डीएक्टिवेट होगा। लेकिन आप अपने अकाउंट को परमानेंट यानी हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे नीचे में डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, तो बस क्या करेंगे आपको यहां पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहां पर आप नीचे देखेंगे कंटिन्यू, बस क्या करेंगे आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको रीजन पूछेगा बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, तो यहां पर आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारा रीजन देखने मिल जाएगा। यहां पर आप जो भी रीजन आपको समझ में आता है, जो भी रीजन आपको अच्छा लगता है, तो यहां पर आप चूज कर सकते हैं। आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी मैं फेसबुक में बहुत ज्यादा समय बिताता हूं, तो यहां पर आप चूज कर लेंगे जो भी आपको चूज करना, यहां पे से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप यहां पर नीचे में देखेंगे कंटिन्यू, बस क्या करेंगे इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपको नीचे में देखेंगे कंटिन्यू, बस क्या करेंगे आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करेंगे यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर आपको फिर से देखने मिलेगा कंटिन्यू, बस क्या करेंगे आपको इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा पासवर्ड, यानी फेसबुक का जो भी पासवर्ड होगा, जो भी आप अकाउंट क्रिएट किए होंगे, जो भी पासवर्ड आप बनाए होंगे, उस पासवर्ड को आपको यहां पर डालना होगा। यानी कहने का मतलब जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट का पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को आपको यहां पर डाल के तब जाके आप डिलीट कर पाएंगे। अगर आपको फेसबुक का पासवर्ड पता नहीं है तो यहां पर आप नीचे देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके अपना फेसबुक का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास पासवर्ड है, मैं अपना पासवर्ड यहां पर डाल देता हूं। दोस्तों यहां पर अपना पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपको देखने मिलेगा कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, तो आपको इस तरह से देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करेंगे आप सिंपली यहां पर देखेंगे डिलीट अकाउंट, बस क्या करेंगे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहां पर लोडिंग लेगा, आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों यहां पर मेरा फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिक यहां पर मत, यानी जो आप यहां पर डिलीट में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा और यहां पे आपका इस तरह से देखने मिलेगा, यानी पेज वहां से हट जाएगा। दोस्तों और आपको यहां पर ध्यान रखना, जब भी आप अपने अकाउंट को डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद दोस्तों उस अकाउंट को दोबारा आपको लॉगिन नहीं करना, यानी 30 दिन तक आपको उस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वो क्या होगा, वो अकाउंट आपका फिर से वापस आ जाएगा। अगर आप 30 दिन के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वहां पर वो अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, यानी 30 दिन के बाद आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते, वो जो अकाउंट होता है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा।
अगर आप 30 दिन के अंदर यानी 30 डेज के अंदर अगर अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पे आपका अकाउंट दोबारा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ क्वेरीज कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।